पाँच का वर्गमूल कैसे निकालें बिल्कुल आसान तरीके से भाग विधि के द्वारा भी हम समझेंगे। देखिए दो गुणा दो किया दोस्तों, जो आपका वैल्यू आ रहा है ये आपका क्या है, पाँच से छोटा है। जैसे हम तीन गुणा तीन करें तो कितना आ गया, नौ, ये आपका पाँच से बड़ा है। ठीक है, तो हमें इसको नहीं लेना, इससे पहले वाला जिसका मल्टीप्लाई करने पर आपका इससे छोटा आ रहा है, यहाँ पे क्या है पाँच, पाँच से जो छोटा आ रहा है उसको लेना है। ठीक है, हमने अपना दो गुणा दो ले लिया। अब इसको ऐसे व्यवस्थित किया जाता है, ध्यान से समझना दोस्तों। ठीक है, इनका गुणा किया, इसको यहाँ लिख देना, जिस संख्या को लेकर चल रहे हैं उसको एक बार यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ध्यान से समझना दोस्तों, इसको जोड़ा जाता है, इसको घटाया जाता है, उसके बाद यहाँ पॉइंट लगाते हैं, इसके साथ आपके डबल ज़ीरो आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके साथ जैसे हम दो लें, दो का गुणा करें तो कितना 84 आ गया, किसको लिया हमने, दो को, तो यहाँ लिख दो। उसके बाद इसको माइनस किया जाता है, 61 आ गया। पॉइंट लगा रखा है, इसके साथ हम डबल ज़ीरो लगा देंगे, इनको ऐड किया जाता है। अब इसके साथ ऐसी कौन सी संख्या लें उसका गुणा करें कि 1600 से कम आए या 1600 के बराबर आए। देखिए हम तीन लेते हैं, तीन का गुणा करते हैं, कितना आ गया, नौ, चार तिर बारह, एक किरे चला गया, चार तिर बारह, एक तेरह आ गया। किसको लिया दोस्तों हमने, अपना यहाँ पे तीन को लिया, माइनस किया, कितना, एक, सात, दो। ठीक है, उसके बाद हमने पॉइंट लगा रखा, तो इसके साथ क्या आ जाएगा आपका, डबल ज़ीरो आ जाएगा, इनको क्या करना है, ऐड करना है। क्या आ गया, 6 और 4। अब इसके साथ ऐसी कौन सी संख्या लें उसका गुणा करें कि हमको यह मिलना चाहिए। तो देखिए हम 6 लेते हैं, 6 का गुणा करते हैं तो आपका यहाँ पर कितना आएगा, 36, 3 कैरी चला गया, 36, 3, 39, 3 कैरी आ गया, 6 चौक 24, 27, 2 कैरी आ गया, 6 चौक 24, 2, 26। उसके बाद माइनस करना है, प्लस करना है, जहाँ तक निकालना चाहते हैं वहाँ तक निकाल सकते हैं। तो अंडरूट 5 का वैल्यू कितना निकल गया, 2.236। ओके, तो इस तरीके से हम है जो अपना यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।